नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका गाइड, मेरा नाम है महबूब भाई फिल्म सिटी। इस फिल्म सिटी में मैं 20 साल से रहता हूं। आपका सीजन फिल्मों के लिए मैंने काम किया और कर रहा हूं, तो यहां पे क्या बनता है इसकी जानकारी दो। बहुत सारे सीरियल धारावाहिक यहां पे बनाए जाते हैं। हर साल की सुपर डुपर हिट फिल्म, मूवी, रियलिटी शो, एड फिल्म, टॉक शो, बहुत कुछ इस फिल्म सिटी में 40 सालों से पूरा चलता आ रहा है। तो पहले यहाँ पे आम जनता को अलाउ नहीं था, इस गेट से ही वापस जाना पड़ता था। 40 साल की मेहनत के बाद, तपस्या के बाद एमटीडीसी और फिल्म सिटी की ओर से आपको इस फिल्म सिटी में दिया जा रहा है। कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जो आप सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे तो ये 550 एकड़ एरिया है और काफी सारे फेमस आउटडोर लोकेशन है, जिनमें से बैठे रहना, आराम से मास्क लगा कर रखना, कोल्टिंग हो रहा है यहाँ पे। तो जिनमें से 2 आउटडोर लोकेशन पे आपको प्रॉपरली इस बस से उतारा जाएगा, आपकी फोटोग्राफी होगी। ओनली 2 आउटडोर लोकेशन, बाकी की पूरी तरह से गाइडेड टूर है। इस समय जहाँ भी अगर शूटिंग चल रही होगी आउटडोर लोकेशन पे हमारे टूर के दौरान, तो इस बस से दिखाएंगे। प्रॉपरली उतार कर शूटिंग दिखा दो, एक्टर से मिलवा दो या एक्टर से फोटोग्राफी करा दो। या अंदर बहुत सारे सीरियल फिल्मों के आर्टिफिशियल सेट भी है, तो किसी भी सेट के अंदर लेकर जाने वाली ये टूर नहीं है। फिर भी आपके साथ एक नया प्रोजेक्ट जो है आपके साथ जुड़ चुका है, 1 जनवरी से वो शुरू हो रहा है। और उस फिल्म प्रोजेक्ट का नाम है बॉलीवुड पार्क, जहाँ पे आपको फोटोग्राफी भी करनी है, वीडियोग्राफी भी करनी है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। बॉलीवुड पार्क इस टिकट के साथ इंक्लूड है, जो फिल्म सिटी के अंदर है। यानी फिल्म सिटी यहाँ पे है तो फिल्म सिटी के अंदर ही है, फिल्म सिटी से बाहर नहीं है। तो 2 टूर हो गया, एक करेंगे पहले फिल्म सिटी का टूर, उसके बाद आपको लेकर जाएंगे बॉलीवुड पार्क जो फिल्म सिटी के अंदर बना है, जहाँ पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो इस बस के माध्यम से। बस में भी आप फोटोग्राफी जरूर करना, मगर वीडियोग्राफी करना सख्त मना होता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के, बड़े बड़ी फिल्मों के बड़े बड़े सेट अंदर लगे होते हैं, वो लीक ना हो, इसलिए आप वीडियोग्राफी नहीं करना है। अगर कोई एक्टर दिख जाता है आपको टूर के दौरान, तो आप यहाँ से फोटोग्राफी बस से कर सकते हैं। और बॉलीवुड की बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी, इंडस्ट्री की बहुत सारी जानकारी। यहाँ से हमारा सफर शुरू हो रहा है। दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी फिल्म सिटी में आपका स्वागत है, वेलकम है। आ गए सर, वाली लिस्ट ओके, देखो थोड़ा सा आगे, ये मेन गेट है। इसी गेट से सारे स्टार जाते हैं, फिर वो शाहरुख हो, सलमान हो, बच्चन साहब हो या कपिल शर्मा जी हो, जो वक्त के हिसाब से दिखते हैं। वक्त, समय, सब कुछ होता है। तो जिस समय हम निकल रहे हैं उस दौरान जो दिख गया वो आपका प्रेजेंटेशन होता है। फाल्के चित्र नगरी यानी फिल्म सिटी बॉलीवुड में आया, आपका स्वागत है, वेलकम है। आराम से साइलेंट बैठे रहना, ताकि फिल्म सिटी और फिल्म मेकिंग की जानकारी इंडस्ट्री की पहुंच सके, इस टूर का उद्देश्य है। तो जो चीज हिट हो जाती है उसी को उस लोकेशन का नाम दिया जाता है। वैसे पहला लोकेशन आ रहा है राइट साइड से, साई मैदान है। साई बाबा को पहली फिल्म बनाई थी, तब से लेकर अब तक बहुत सारे सीरियल फिल्मों के जो सेट होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। सेट किस प्रकार से होते हैं आगे देखेंगे राजू भाई। अगला जो है राइट साइड से वेलकम मैदान, हम भी आपका वेलकम करते हैं। वेलकम मूवी की शूट राइट साइड से ली गई थी। उसके बाद छोटी बहू, जिसके लिए मैंने काम किया था, हैप्पी न्यू ईयर, इसके लिए मैंने काम किया था इसी जगह पे, नंदू भिड़े दिमाग में कीड़े, और एक बहुत ही अच्छा गाना जटिया कलाइयां। यानी इंडस्ट्री में 2 लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्टर और दूसरा होता है आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर अपने आर्ट से इस खाली जमीन पे गोवा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, दुबई, अमेरिका, लंदन, राजा महाराजा के महल, पैलेस, बहुत कुछ बनाता है। नेक्स्ट लोकेशन राइट साइड से है जोश मैदान और लेफ्ट साइड से जोकर मैदान। राइट और लेफ्ट से 2 बड़े मैदान है जहाँ पे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चर मूवी के सेट बनते हैं। ढोल बाजे ढोल नगारे सब ढोल बाजे, रामलीला देखी हुई आपने जो इसी जगह पे बनाई गई थी, बाजीराव मस्तानी का महल, पद्मावत, सलमान भाई की बहुत ही अच्छी फिल्म सुल्तान, बेबी को बैस पसंद है वो बैस, हरियाणा की कुटिया, कुश्ती के अखाड़े, दरगाह, शाहरुख भाई की बहुत ही अच्छी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर, जिसके लिए दुबई तक बनाई थी आर्ट से। तो सब कुछ बनता है आर्ट से।
कोई सीरियल देखता है, कोई पिक्चर, कोई एड फिल्म। सेट बनाने का जो मटेरियल यूज होता है ये वो कॉमन होता है, लकड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लाउड, थर्माकोल फाइबर, कुछ लोहे की चीजें और क्लॉथ, इसी से पूरा सेट बनता है। तो एक सेट बनाने के लिए भी काफी सारी मेहनत होती है। जिस तरह से फिल्म का बजट है उस हिसाब से सेट बनता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए का इस तरह से सेट बनाएंगे, कलरफुल करेंगे, शूटिंग करेंगे, और जैसे ही उनकी शूटिंग की डेट खत्म हो जाएगी, इस 5 करोड़ रुपए के सेट को यहाँ पे डिसमेंटल तोड़ देंगे, फिर एक नया सेट इस जमीन पे होगा। तो ये जो सारी जमीन है वो सरकार की है, गवर्नमेंट की है, जिसके अलग अलग जगहों का, लोकेशनों का अलग अलग रेंट होता है, जो अंदर फिल्म सिटी गवर्नमेंट ऑफिस है वो लेता है, उसके ऊपर जो भी करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्शन हाउस होते हैं, रेड चिल्ली, भंसाली, यशराज, धर्मा प्रोडक्शन। तो भंसाली साहब की आने वाली नई फिल्म आई है गंगूबाई काटेवाड़िया, उसके अंदर आपको आलिया भट्ट और बहुत सारे स्टार दिखेंगे। आज संडे, ढाबा खाली है, यहाँ पे भी शूटिंग होती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ले लो, सीरियल का नाम है। तो जब भी नायरा कार्तिक का ढाबा दिखाया जाता है यही ढाबा है, देखेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा। लेफ्ट साइड जो है जोकर मैदान, अम्मी जान कहती है सबसे बड़ा धंधा, धंधे से बड़ा कोई नहीं होता, तो वो दरियापुर शहर गुजरात शाहरुख भाई का है, इस जगह पे बनाया था लेफ्ट साइड। और जुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग राइट और लेफ्ट से। आने वाली अपकमिंग फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र, उसका बहुत सारा काम लेफ्ट साइड हुआ, ट्रिपल आर का काम यहाँ पे हुआ, और अभी भी कुछ बना रहे हैं, देखिए चबूतरा वगैरह, फाइट वगैरह के सीन, बेल्ट्री डैम, एक्शन फाइट, इस तरह से दिखाया जा रहा है। अभी बन रहा है और कंप्लीट सेट है। तो राइट और लेफ्ट से दो बड़े मैदान है, जिस तरह से डायरेक्टर ने स्टोरी लिखी है, गोवा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, आर्मी कैंप, जो चाहिए वो सेम टू सेम बनाया जाता है, मगर वक्त के हिसाब से उसे डिसमेंटल तोड़ दिया जाएगा। आगे पहाड़ जंगल दिख रही है, नेचर है, तो बच्चों को मजबूती से पकड़ कर बैठाइए, आगे पहाड़ी और जंगल वाले रास्ते हैं। तो बहुत सारे सीरियल देखी आपने, फिल्में देखी, अहर फिल्में देखी, जिसमें दिखाते हैं गांव, विलेज। तो लेफ्ट साइड से शुरू होता है वो गांव, जहाँ पे फर्स्ट बी आर चोपड़ा जी ने 88 में महाभारत शुरू की थी, तब से लेकर अब तक बहुत सारे सीरियल, फिल्में और अहर फिल्मों में जब गांव विलेज दिखाया जाता है, यहाँ से शुरू होता है वो गांव, जिस गांव का नाम है आभूसर गांव विलेज। वैसे एक फिल्म आई थी आपने देखी होगी, तानाजी फिल्म का नाम है, अजय देवगन जी की फिल्म थी, जिसके लिए इसी जगह पे विष्णु मैदान पे लेफ्ट साइड एक पैलेस, एक किला बना गया था, राजा का किला। इस तरह से अभी खाली दिख रहा है वो प्रेजेंटेशन है आपका, तानाजी के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने वो किला देखा, शूटिंग देखी, अजय देवगन को देखा, तो उस समय के हिसाब से सारा काम चक्र चलता है यहाँ पे। तो काफी बड़ा विलेज है आपके लेफ्ट साइड, आभूसर गांव विलेज। हमारी बहने बहुत सारे सीरियल देखती है, बहुत सारे सीरियल स्टार प्लस, जी, सोनी, कलर्स, फिल्म सिटी में बनाए जाते हैं। जैसे कि राइट साइड से देखेंगे आप तो एक बोर्ड दिखेगा जिसका नाम है सीरियल का इमली, जो स्टार प्लस चैनल पे आती है, इमली खाती हुई दिखेगी आपको, इसका नाम है इमली। नागर भाई आगे गाँव तरफ, शायद वहां पे शूट चल रही है, हाँ कोई शूट दिख सकते हैं, देखिए गांव वाले बन कर जा रहे हैं। सामने ब्लू कलर की गाड़ी दिख रही है, उसे वैनिटी वैन कहते हैं, आर्टिस्ट का कपड़ा, कॉस्ट्यूम, मेकअप उसी के अंदर होता है, वॉशरूम से लेके सारी सुविधा होती है। लेफ्ट साइड वो गांव है, और राइट साइड से लेना राहुल भाई थोड़ा सा, ये लेफ्ट साइड गाँव, गाँव वाले सी देखिए, ये ओल्ड की कहानी है, कुछ लोग आ रहे हैं अभी भी, जूनियर सीनियर एक्टर, बस रुका दो। जैसे एक आई थी कोई सलमान भाई की ट्यूबलाइट, देखिए अपने ट्यूबलाइट, सलमान भाई की पिक्चर थी, देखिए ट्यूबलाइट, उसी तरह के कॉस्ट्यूम है ट्यूबलाइट जैसे, वैसे स्वदेश, परदेश, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, टॉयलेट, एक प्रेम कथा है, बहुत सारी फिल्में थी। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का ओल्ड का सीन है, यानी हमारा देश आजाद होने से पहले इस तरह के ब्रिटिश काल के जो अपने हमारे पुलिस वगैरह थे उस हिसाब के कॉस्ट्यूम वगैरह है, देश आजाद होने से पहले की कहानी उस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे धारावी बनाई थी इसी जगह को, आने वाली वेब सीरीज है धारावी बैक। तो इस तरह के कलाकार आपको दिखेंगे, छोटे बड़े जो कॉस्ट्यूम में है, इस तरह से लाइव अंदर चल रहा है, तो जब बाहर चलता है तो बाहर वाला भी सीन दिखाई देता है। ले लो अगला जो है राइट साइड से, यहाँ पे देखेंगे थ्री इडियट फिल्म का नाम था, जिसका सीन यहाँ पे लिया गया था। वैसे फिल्म सिटी बहुत पुरानी है, ओल्ड है, ओल्ड से चलती आ रही है, ओल्ड की फिल्म थी बच्चन साहब की कालिया, जहाँ से हम शुरू होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है।
तो लेफ्ट साइड है कालिया मैदान, बच्चन साहब की फिल्म कालिया के लिए जेल बनाई थी, तब से लेकर अब तक बहुत सारे सीरियल फिल्में यहाँ पे बनाई और आज भी बना रहे हैं। ये कालिया जंक्शन है, इस जगह को नाका चौरा सिग्नल बनाया जाता है। आपने से कोई सीरियल देखता है? सीरियल का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते हैं सारे। हाँ देखिए जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो ये पोपटलाल का सबसे फेवरेट जगह, और जेठालाल को जानते ही आप, तो उनका दोनों का फेवरेट जगह है। जब भी मुलाकात होती है यहाँ पे होती है, जब भी पोपटलाल सपने देखते हैं, सिग्नल ट्रैफिक बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड जब दिखाया जाता है ये जगह आती है। इसका नाम है कालिया जंक्शन। चलो तो बहुत सारे सीरियल धारावाहिक यहाँ पे बनते हैं। वैसे एक सीरियल आती है अनुपमा, सीरियल का नाम है, नई सीरियल है अनुपमा, इसके पीछे बनती है, इसका सेट नहीं दिखेगा आपको क्योंकि वो पूरा पतरे से कवर किया है, बैक साइड है। कालिया थ्री पे बनाई जाती है अनुपमा। वैसे उसी अनुपमा के जगह पे सबसे पहला शो देखा होगा आपने, कपिल शर्मा जी का, अभी का नहीं ओल्ड का, जब स्टार्ट किया था कपिल शर्मा जी, तो कपिल का शो लेफ्ट साइड पहले बनता था, स्टार्ट यहाँ से किया था मैंने। बाकी के जितने भी शो हुए इसी फिल्म सिटी की अलग अलग जगहों पे लोकेशन पे, राइट साइड से सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर है। जिन बच्चों का टिकट नहीं है उसे गोदी में लेके बैठना, यहाँ पे आपका क्वारंटाइन होता है, जिनकी वो सिक्योरिटी वाला आएगा, मास्क लगा के रखना, कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगा के रखिए, सिक्योरिटी वाला आएगा, चेकिंग होगी। लेफ्ट साइड कालिया थ्री, और यहाँ पे जो है ऑल में आपको जानकारी होगी, न्यूज वगैरह में देखा होगा, कपिल शर्मा जी के सेट पे आग लग गई थी, स्टार्ट यहाँ से किया था। आप बिग बॉस देखते हो सारे? देखिए फिल्म सिटी में दो बिग बॉस है, पहला बिग बॉस आ रहा है आपके लेफ्ट साइड, इस जगह का नाम है वैसे मुक्ति बंधन मैदान, सलमान भाई की बंधन बनी, उसके बाद बहुत सारे सीरियल फिल्मों के सेट बनाए, एक्टर को जानते होंगे आप, सलमान भाई के साथ इन्होंने काम भी किया है। लेफ्ट साइड बनाया जाता है बिग बॉस, थोड़ा सा रुका देना यहाँ पे। हाँ देखिए महेश मांजरेकर जी, किसी ने बोला बरोबर है, वही एक्टर है, साउथ में भी काम करते। तो ये कलश पे आते हैं, मराठी लैंग्वेज में आते हैं। अभी सलमान भाई वाला जो बिग बॉस है वो भी आएगा, इसी तरह का सेट है, सलमान भाई भी देख सकते हैं, आपको समय के हिसाब से देखेंगे। तो बिग बॉस दो है यहाँ पे फिल्म सिटी में, ये मराठी लैंग्वेज का है, और आने वाला सलमान भाई वाला बहुत ही जल्द आएगा सेट, जो इसी जगह पे बनाया जाता है फिल्म सिटी में। आगे जंगल पहाड़ दिख रही है, तो बहुत सारे सीरियल फिल्म सिटी में बनाए जाते हैं, जैसे लिखा है तारा वादी या सोनी मराठी। गुम है किसी के प्यार में, ऐसा सीरियल का नाम है, वैसे सॉन्ग भी बनाया था गुम है किसी के प्यार में। और आज जैसे लिंक रोड पार्ट वन और टू पहले बनाई थी, बैठा महाराणा प्रताप का पैलेस, बहुत कुछ बनाया है इस जगह पे। अभी पजल जो है घर सोसाइटी हवेली निवास, इस तरह से उठा आर्टिफिशियल सेट जो रियलिटी लेकर आता है। थोड़ा सा आगे रुका देना, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है चौहान निवास वगैरह, तो निवास घर सोसाइटी जो भी आप बोलना चाहते हैं वो इस तरह का होता है, राइट साइड सेट है। और जो भी टूटा फूटा या खराब पेंटिंग गया हुआ दिख रहा है वो यहाँ पे दिखेगा, टीवी में से बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर कंपोज कर दिखाते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए भी फिल्म लाइन वाले लोग लगते हैं, तो फिल्म मेकिंग का कार्ड होता है, एक्सप्रेस होता है, वही लोग बनाते हैं। यानी कोई भी सीरियल की शूटिंग यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होती है, वीक के 8 डे होते हैं, यानी संडे टू संडे 8 दिन, उसमें से सिर्फ 4 डे ही शूटिंग होता है, 4 दिन गैप होता है, उस गैप में जो टूटा फूटा है उसे बनाते हैं, जो सामान नहीं है, पुलिस वैन एम्बुलेंस वैन कपड़ों की खिलौने की फूलों की दुकानें बहुत सारी चीजें रेंट पे लानी पड़ती है। लेफ्ट साइड बिल्कुल नया सीरियल है, हाँ देखिए कलश पे आएगा, हाँ कभी कभी इत्तेफाक से इस सीरियल का नाम है, हाँ देखिए ये पट्टी कभी इत्तेफाक से नई सीरियल का नया सेट आपके सामने, तो सेट किस प्रकार से रहते आपके सामने प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, घर हवेली सोसाइटी निवास ये रहा आपके सामने, और बहुत ज्यादा ध्यान देंगे आप तो वहां पे दरवाजे दिख रहे हैं, अंदर कुछ नहीं, अंदर खाली है, तो दो चीजें अलग होती है, कंपोज कर दिखाते हैं, यानी जेठालाल ने दरवाजा खोला तो अंदर आपको बेडरूम किचन टीवी में दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे दूसरी जगह होता है, कंपोज कर आपको एक ही दिखेगा, इस तरह का काम होता है। ले लो ये माया नगरी है, सब आर से बनाया है, जब तक आप जैसे जनता का आशीर्वाद है तब तक वो यहाँ पे रहेगा। टीआरपी गिर गया या एपिसोड खत्म हो गया, इस सेट को डिसमेंटल करेंगे, इसका टीआरपी अच्छा है उसी को रखा जाता है।
जनता के ऊपर होता है। अभी देखिए रियर वाले हिरन दिख रहे आपको, रियर आराम से साइड में लेना थोड़ा गाड़ी, राइट साइड से देखना कुछ नेचर दिखेगा आपको। हाँ देखिए ये रियल वाला सीन देख रहे हो, लाइव शूटिंग नहीं देख रहे हो, लाइव शूट ही समझ लीजिए रियल। तो ये है नेचुरली जगह, तो इस तरह से ये जो है बहुत ही प्यारे है हिरन। मगर याद रखना टाइगर जिंदा है, ये भी बात याद रखना, यानी लेपर्स, लेपर्स भी जो है आते हैं। ये देखिए ये तो है, लेपर्स भी आते हैं फिल्म सिटी में, जहाँ पे आप आए हो बाजू में इसके लगत में नेशनल पार्क है, नेशनल बोरोली पार्क ले लो, वहाँ से जानवर आते रहते हैं, तो ध्यान देते रहना। कभी कभी सीआईडी वाले भी इसी जगह पे आते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है, बॉडी कहाँ पे थे, तो सीआईडी वाले आएंगे, फिर क्राइम पेट्रोल वाले आएंगे, फिर शपथ सावधान वाले आएंगे, उसके बाद मिलिट्री वाले भी आते हैं, आर्मी फोर्स देश के जवान, इसी जगह को दिखाया जाता है राइट और लेफ्ट से देखेंगे। तो वही जगह है जो हर रोज सीरियल या फिल्मों में दिखाई जाती है, आर्मी फोर्स, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, सब इसी जगह को दिखाया जाता है। और जब वो नहीं आ रहे तो महाराजा के महारानी के सैनिक आएंगे, घोड़े पे आएंगे और लड़ाई करेंगे, तलवार बाजी होगी, महाराणा प्रताप हो या पानीपत की लड़ाई हो, तो जब भी लड़ाई दिखाई जाती है वो यही जगह है, क्राइम पेट्रोल शपथ सावधान इंडिया। और इतना ही नहीं, हॉरर वाले सीन, जब चुड़ैल आत्मा वाले सीन होते हैं, इन्हीं जंगलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही नेचुरली फिल्म सिटी है और बहुत सारी चीजें आप इंजॉय कीजिए। रहा साल शूटिंग का, तो शूटिंग लोकेशन चॉइस की जाती है और उस हिसाब से ली जाती है, समय ही सब कुछ होता है। हाँ टाइगर यानी लेपर्स, लेपर्स यानी टाइगर, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, सब कुछ यहाँ पे बनाया, बजरंग की बाजा, चल बड़ा सेल्फी ले लो। तो रियल स्नैक वगैरह भी देख सकते हो, बच्चे बड़े जहाँ पे हम उतरने वाले हैं वहाँ पे ग्रुप में रहना, तो इधर उधर न जाओ, आप खुद ने ही देखा जानवर वगैरह घूमते रहते। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, 30 ईयर से इंडस्ट्री में फिल्म सिटी में। अगला राइट साइड से समर्थ मैदान है, सीरियल कोई भी भाषा की हो बंगला देखिए किस तरह से बनाए हैं। हाँ थोड़ा सा रुका दो, स्टार प्रवाह सुख मंजे नक्की कास्त, ये खंडाला लोलाना का बंगला दिखेगा आपको जो आर्ट से बना है। आगे लेफ्ट साइड फरिश्ते मैदान, इस जगह का नाम है, और धर्मेंद्र बाजी के फरिश्ते से लेके देवदास, देवदास से लेके बहुत सारी फिल्में बनी शाहरुख भाई से लेकर अब तक। अभी प्रेजेंट जो है वो दिखेगा आपको, प्रेजेंट जो है छोटी सरदारनी, थोड़ा रुका देना, कलर्स चैनल पे आती है छोटी सरदारनी जो यहाँ पे बनती है कलर्स चैनल। और शूटिंग के दो प्रकार होते हैं, सारे टूरिस्ट ध्यान देके सुनना, एक होता है इंडोर, दूसरा होता है आउटडोर। बेडरूम, किचन, हॉल, जो भी घर वाले सीन है डायरेक्टर साहब वो सेट के अंदर लेंगे, वही सीन स्कूल, बैंक, कॉलेज, एयरपोर्ट, ढाबा, पार्क जब दिखाया जाता है, ये आउटडोर होता है जहाँ पे बस खड़ी है। तो अंदर बाहर करना डायरेक्टर के हाथ में होता है, स्टोरी के हिसाब से रोज सेट के अंदर और रोज सेट के बाहर दोनों साइड शूट ली जाती है, ले लो। तो ये मेरे या आपके हाथ में नहीं होता, डायरेक्टर के हाथ में होता है, स्टोरी के हिसाब से काम करते रहे। जहाँ जहाँ से आप आए हो वो सारे शहरों का ये रोड है, किलोमीटर का बोर्ड लिखेगी गाड़ी जो है, फोकस किया जाएगा गाड़ी यहीं पे घूमेगी। देखिए लेफ्ट साइड लेक अप, लेक डाउन, ऐसे दो लोकेशन है, लेक डाउन में गाड़ी नहीं जाती है, फिर भी एक बहुत ही अच्छा बंगला दिखेगा आपको, घर दिखेगा यहाँ पे स्टार प्लस। हाँ थोड़ा सा रुका देना, देखिए अंदर लाइटिंग हो रही है, तीन वाले शूट यहाँ पे दिया जा रहा है, इमली स्टार प्लस का जो आधा सीन है, इमली दिल्ली वगैरह आती है तो वो सीन यहाँ पे लिया जा रहा है, दिल्ली का बंगला दिखा रहे हैं, तो आप दिल्ली में आ गए, ऐसे कुछ लोगों ने बोला इमली तो दिल्ली गई, यहाँ पे दिख रही है इमली, तो वो कहानी होती है, वो रोल होता है, उस हिसाब से वैसे दिखता है और दिखना भी चाहिए तभी पता आता है, ले लो लोग। अगला है गुजरात की कहानी, तेरा मेरा साथ है, स्टोरी गुजरात की है, तो यहाँ पे मोदी भवन दिखेगा आपको, जो गुजरात की कहानी है, गुजरात में है ऐसे लगेगा, सारी कहानी क्लाइमेक्स गुजरात, तो उस हिसाब से ये सीरियल है, धारावाहिक है। लेफ्ट साइड मोदी भवन, तेरा मेरा साथ है, गोपी बहन, यहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं है, ओनली मोदी भवन लिखा है, देखिए शूटिंग ली जा रही है जहाँ पे लाइट लगी है, इसके अंदर वाले सीन है, तो अंदर बाहर करना डायरेक्टर के ऊपर होता है। कभी कभी गुजरात का नाका वगैरह बताएंगे, कुछ दुकानें वगैरह, तो वो यही रोड होगा, ले लो। हाँ बांद्रा दिखेगा, बंदर दिखेगा, मंकी दिखेगा, ले लो, पहले हिरन दिखा अभी बंदर दिखा,
बड़े काम का बंदर मारे तो धर्मेंद्र, गोल से चक्के आ रही फिलिप सीरी। वैसे लेफ्ट साइड अगर ध्यान देंगे तो इस समय एक मराठी सीरियल है, लेकिन कहानी शुरू होती है शाहरुख भाई की और सीरियल थी फौजी सर्कस, जिन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी सर्कस से। इसी जगह पे शाहरुख भाई काम करते थे गोल्ड में सर्कस से, यानी बड़े बड़े जो स्टार होते हैं वो फिल्म सिटी से बन गए, उनके सुपर हिट हुई फिल्में वगैरह। तो राजा महाराजाओं के महल, रेगिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, जो चाहिए वो सेम टू सेम बनाया जाता है, पर वक्त के हिसाब से उसे डिसमेंटल तोड़ देना पड़ता है, मगर कुछ चीजें गवर्नमेंट ने ऐसी रखी है जो परमानेंटली बनाई गई है। बिग बॉस मराठी वाला अभी आएगा बहुत जल्द, सलमान भाई वाला देखते रहना, हो सकता है सलमान भाई आपको दिख जाए, समय सब कुछ होता है। तो इसी बस के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने बच्चन साहब को भी देखा है केबीसी में, जो केबीसी का शो होता है वो फिल्म सिटी के ही लोकेशन में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है, जैसे जैसे गाड़ी जाएगी जानकारी देते रहेंगे। अगला आपके लेफ्ट साइड मृत्युंजय मैदान, इस जगह का नाम है पंड्या स्टोर दिखाई देंगे, तो पंड्या स्टोर आपके लेफ्ट साइड बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे सीधे धारावाहिक फिल्म सिटी में बनाए जाते हैं। अगला राइट साइड से देखना, सामने बिल्कुल नई सीरियल है, जितने बस में बैठे उतने ही लोगों को मालूम है, इंडिया के लोगों को बाद में पता चलेगा। तो जगह का नाम है संतनत मैदान, और जो बिल्कुल नई सीरियल है और उसका नाम है गुलदस्ता, ऐसा कुछ नाम रखा है इन्होंने गुलदस्ता। राइट साइड से घर, हवेली, सोसाइटी, महल, पैलेस, संतनत मैदान, लोकेशन का नाम गुलदस्ता, अपकमिंग सीरियल। लेफ्ट साइड शिव मैदान, इस जगह का नाम है और यहाँ से शुरू होता है बिग बॉस, सलमान भाई वाला कॉलेज चैनल बिग बॉस लेफ्ट साइड से। तो काफी बड़ा सेट है, काफी सारा पैसा खर्च किया इन्होंने, और ये सब जनरेटर लाइट्स के लिए, बहुत सारे लाइट्स, कैमरा, एक्शन, बहुत सारे लाइट्स की जरूरत होती है। देखिए पोस्टर में देखना बिग बॉस दिखेगा आपको, यहाँ से एंटर है और ये गाड़ी खड़ी है सलमान भाई का एंटर यहाँ से लेफ्ट साइड, बिग बॉस काफी बड़ा सेट। राइट से ध्यान देंगे बापू नगर, इस जगह का नाम है ओम शांतियों का सेट, शाहरुख भाई की बहुत ही अच्छी फिल्म थी ओम शांतियों। अभी आपके सामने ठाकुर साहब की हवेली है, हवेली, घर, सोसाइटी, जो बोलना चाहेंगे आप उस हिसाब से बनाया गया, देखिए आर्टिफिशियल है, बनाने के लिए काफी सारी मेहनत होती है। अगला लोकेशन जहाँ पे गाड़ी जाने वाली है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके जिलों तक, आपके शहरों तक, आपके घरों तक आता है, वो है एक मंदिर, एक टेम्पल। और इस मंदिर की खासियत है यहाँ पे हर रोज भगवान बदल जाते हैं, कभी गणेश जी होते हैं, कभी सरस्वती माँ, कभी भोलेनाथ, कभी कृष्ण कन्हैया। तो 40 ईयर्स 40 साल हुए एक मंदिर जरूर दिखता है, वो फिल्म सिटी का बहुत ही फेमस मंदिर है जो बहुत ही जनता आएगा। चलो नावर भाई, चलो बुलावा आया है, माता ने आज आपको बुलाया है। तो ये मंदिर रोड पे जा रहे हैं हम, और बहुत ही जल्द आएगा वो मंदिर जो कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, दिल दीवान से लेकर बॉलीवुड के सारे एक्टरों ने काम किया और आज भी कर रहे हैं। और जब भी टीवी का रिमोट ऑन करोगे, तारक मेहता हो, अनुपमा हो, रिश्ता हो, या जो भी आपकी कलर्स, सोनी जी, सब जो भी सीरियल है, दूरदर्शन के जमाने से एक मंदिर जरूर आ रहा है। तो वो फेमस मंदिर बहुत ही जल्द आएगा, इसे अलग अलग कलर किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, और भिखारी, पंडित और वो सारा चीजें होती है जो रेंट पे लाई जाती है। अभी आपके लेफ्ट साइड खंडाला घाट, इस जगह का नाम है एक्शन फाइट के लिए, लेफ्ट साइड ध्यान देना, थोड़ा सा आराम से रुका जाना रवि भाई थोड़ा। देखिए ये जो ब्रिज है मामूली ब्रिज नहीं है, डॉन का ब्रिज है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और फिल्म बच्चन साहब की डॉन, शाहरुख भाई की डॉन, एक फिल्म आई थी देखी होगी आपने कोई मिल गया, ये ब्रिज है जादू वाला। एक फिल्म आई थी रेस, इस रेस का सिकंदर मैं हूँ सलमान भाई बोलेंगे, वो जो सामने ब्रिज दिख रहा है वो मामूली ब्रिज नहीं है, फिल्मी ब्रिज है। एक्शन फाइट के लिए 40 सालों से दिखा रहे हैं, नीचे मुंबई पुलिस वैन वगैरह लिखी है। आने वाली फिल्म का नाम है कुत्ते, फिल्म का नाम ये ऐसा रखा है कुत्ते, क्योंकि आज 100 ईयर हुए पिक्चर बनाते बनाते। तो धर्मेंद्र पाजी का डायलॉग याद होगा आपको, कमीने कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, यानी कमीने पिक्चर आई है, अभी कुत्ते आने वाली है जो अभी आई नहीं है मार्केट में, और बहुत ही जल्द एक ही पिक्चर का नाम बचा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ देखना लेफ्ट साइड ध्यान देना, सारे टूरिस्ट अगर लेफ्ट साइड ध्यान देंगे तो ये बॉलीवुड पिक्चर आने वाली है, बॉलीवुड की पिक्चर है, अर्जुन कपूर, नसरुद्दीन शाह,
और अर्जुन रामपाल और बहुत सारे एक्शन फाइट की पिक्चर है, कुत्ते मूवी का नाम है, तो उसके लिए बनाया है आपके लेफ्ट साइड अगर ध्यान देंगे तो। यानी पहले जो होते थे डाकू होते थे होल में, उसके बाद गुंडो गुंडे, तिरंगा मिस्टर इंडिया देखी होगी आपने तिरंगा में, और अभी हाईजैक हो जाता है, प्लेन हाईजैक हो जाता है, टेररिज्म अंदर ऐसी ही जगह पे टेररिज्म रहते हैं जहाँ पे आर्मी आकर लड़ाई हो जाती है, तो वो सीन यहाँ पे लगाया टेररिज्म वाला। उसी प्रकार से घर, उसी प्रकार की बम ब्लास्टिंग वाले सीन इस जगह पे, पूरी खंडाला घाट एक्शन फाइट, बच्चों को किडनैप किया, औरतों पे अत्याचार हुआ, स्मगलिंग का सामान इधर उधर कर रहे हैं, और एक चीज इच्छाधारी नाग नागिन निकलते हैं वो भी यही जगह है। चलो ये पूरी जगह का लोकेशन का नाम है खंडाला घाट और आगे खंडाला ब्रिज। तो बहुत ही आने वाली फिल्म है जिसकी बहुत सारे शूट यहाँ पे ली गई, अभी आउटडोर पे चले गए, सारा पिक्चर का काम यहाँ पे होता है, ऐसी बात नहीं है। 60-50 जितना प्रेजेंटेशन है 60-70% लेकिन पिक्चर का काम फिल्म सिटी की अलग अलग जगह पे होता है, बाकी कुछ आउटडोर पे भी जाते हैं। अगला जो है बहुत ही प्यारा मंदिर आएगा, देखते हैं आज कौन से भगवान आए हैं या छुट्टी पे चले गए। अभी तो संडे के दिन छुट्टी पे जाते हैं यानी शूटिंग कम होती है, मगर ये मामूली मंदिर नहीं है, बॉलीवुड का मंदिर है, सारे स्टारों ने काम किया और कर रहे हैं, जब भी सीरियल ऑन करेंगे तो ये मंदिर आएगा, ये काफी फेमस है। भाई सर से रहा थोड़ा सा रुका देना यहाँ पे आगे नायर भाई, ये रहा वो मंदिर जहाँ पे सारे स्टार आए, थोड़ा सा रुका देना आ रहे हैं। तो आज भगवान ग्राम पंचायत बनाया जाता है, दबंग 2 का पुलिस स्टेशन है, और देवी और सज्जन 6 दिसंबर को आपके बच्चे को पोलियो डोज पे जरूर लाना, बच्चन का रेड देते वो यही जगह है। परदेसी परदेसी तो जाना नहीं मुझे छोड़ के, ढाबा इस जगह पे लगाएंगे, मेला दिलों का आता है आके चला जाता है, मेला भी इस जगह पे लगाया जाता है। चलो अगला सीन राइट साइड से आएगा, ओटी मसूरी नैनीताल शिमला मनाली, नाम सुने होंगे आप, सब मिलाकर देखिए आपके बच्चों के बर्थडे रिसेप्शन पार्टियां शादियां होलियां ये गार्डन दिखाते आ रहे हैं 40 सालों से राइट साइड से, ओटी मसूरी नैनीताल शिमला मनाली। आगे आएगा वो बंगला, फिल्म देखी होगी आपने बागबान, देखी किसी ने बागबान की होली यहाँ पे खेली गई थी, सिंगम आराम से इधर से ऐसे ऐसे घूमेगी ना ऐसे इधर से देखिए अभी डेकोरेट हो रहा है, ये डेकोरेट होगा उसके बाद यहाँ पे शूटिंग करेंगे, आपके बच्चों के बर्थडे रिसेप्शन पार्टियां शादियां होलियां, ये सामने वाला घर बंगला आधा अधूरा है, तो सारे टूरिस्ट ध्यान देके सुनना, यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे बार बार ही फोटोग्राफी करना है हमें, उसके बाद पीछे समंदर का पानी है आइलैंड है वहां पे भी हम थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे, और उसके बाद इसी रास्ते से ऐसे होते हुए नीचे जाएंगे मंदिर की तरफ, मंदिर पे हम आराम से एंजॉय करके फोटोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर के नीचे वॉशरूम है, लेडीज जेंट्स वॉशरूम है, बॉलीवुड पार्क में हम जब जाएंगे तो अभी अपकमिंग है वो, यानी अभी वहाँ पे वॉशरूम नहीं बनाया गया है, तो आप सारी वॉशरूम वगैरह वहाँ पे आराम से कर लेना, उसके बाद जाएंगे हम बॉलीवुड पार्क के पास, तो जब जानकारी दूंगा, लेकिन वॉशरूम करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं, पहले यहाँ पे फोटोग्राफी करना है अपकमिंग सीरियल, उसके बाद वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे ग्रुप पे रहना। चलो होलिया त्योहार ग्रेस गार्डन इस जगह का नाम है, बस एक फिल्म आई थी गब्बर बैग देखी होगी किसी ने, गब्बर इज बैग यही जगह दिखाई थी, नाम है।